दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे पेपर 7th जो कि LLB सेकेंड ईयर का है टैक्स लॉ का। इसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 2022 के जो एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए, यह कोई पेपर नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, आ सकते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन भी आते हैं तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पे जो पास होने के लिए आ रहे हैं बस उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, बाकी जिनको परसेंटेज लाने हैं वो आपको बता अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपकी सीरीज में आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा पूछ सकते हैं, वेतन की परिभाषा दीजिए और वेतन आय से संबंधित भार का आधार है इसको समझाइए। इसमें दो क्वेश्चन है, 10 नंबर का 10 नंबर का 20 नंबर क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि हमें इंग्लिश में बताइए, हमें दिक्कतें आ रही है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पेपर डाले हुए हैं आप उनको गूगल से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं उनको तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी यहाँ पे लेबर लॉ का मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, मैंने वो हटा दिया क्योंकि वो नया आपके कोड है 2020 का 17 का कुछ ऐसा है, तो वो नया कोड है, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा तो वो इंग्लिश में आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, मैंने इंग्लिश में भी डाल दिया, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि डिफाइन सैलरी व्हाट इज द बेस ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट सैलरी इनकम। तो ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया, आप इसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे हिंदी मीडियम था। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे 100 में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हिंदी मीडियम है, बाकी 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके इंग्लिश मीडियम है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उसमें 4 या 5 के थे, बाकी जितने भी स्टूडेंट सब के यहाँ पे हिंदी मीडियम था, ठीक है। तो मैं आपको साथ में 2 पेपर इनके बता दूंगा, और जो पेपर है आपका 6 लेबर लॉ का उसके मैं क्वेश्चंस है वो 2 या 3 में बता दूंगा, क्योंकि मुझे टाइपिंग करने में थोड़ा समय लगता है, देखना होता है कौन कौन किस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप देख लेना नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, और मकान संपत्ति के कर योग्य आय के निर्धारण में वार्षिक मूल्य में से कौन से कटौतियां स्वीकृत हैं। यहाँ पे दोस्तों स्वीकृत है गलत लिखा हुआ, मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि टाइपिंग में कोई वर्ड टाइपिंग नहीं हो पाता है, तो इसलिए गलत है, लेकिन स्वीकृत आपको सही लिखना होगा, ठीक है, आपको अपने बुक में मिल जाएगा, उसमें सही दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और यहाँ पे देखिए साइड में शो भी हो रहा है, इस नाम से आप फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर पदाधिकारी की शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार एवं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें कुछ वर्ड दोस्तों यहाँ पे गलत लिखे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएंगे क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, और कुछ चीज़ टाइपिंग में नहीं लिखी जाती है। हिंदी टाइपिंग करना आपको पता है हार्ड है, सीखना पड़ता है, बाकी इंग्लिश में कोई इश्यू नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में नीचे दिया हुआ, इसको आप देख लेना। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कर निर्धारण के विभिन्न तरीकों को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। कर के निर्धारण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं उनको बताना है। आगे 5th क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि हानि की पूर्ति तथा आगे ले जाने के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों को समझाइए। इसमें आपको बताने हैं कि सबसे पहले आपको बताना है कि हानि पूर्ति, उसके बाद में उसे आगे ले जाने के संबंध में जो आयकर अधिनियम बनाया है, टैक्सेस लॉ आपकी विधि है, इसके क्या प्रावधान है वो आपको बताने हैं, स्पष्ट करना है। 6th यहाँ पे क्वेश्चन है,
वो है कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोषी करदाता किस प्रकार से अभियोजित किया जा सकता है। आयकर अधिनियम है इसमें अगर कोई दोषी व्यक्ति है, दोषी करदाता है, तो उसको किस प्रकार से उसको दंडित किया जा सकता है टैक्स विधि में, वो आपको बताना है। और दूसरा इसमें बताना है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो अभियोजित व्यक्ति है उसके संबंधित में क्या क्या प्रावधान है वो आपको बताने हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और इंग्लिश में आप यहाँ पे साथ में देखते रहिए, जिनको इंग्लिश मीडियम है, कमेंट किए थे काफ़ी सारे लोग तो उनके लिए अभी स्पेशल मैंने नीचे टाइपिंग किया है। सेवंथ यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने के बारे में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है 2017 है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। आठ नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है वो आता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में अपराध एवं शांति के संबंध में किए गए प्रावधान का उल्लेख कीजिए। ओके, तो यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में जो प्रावधान है उनकी विवेचना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे इंग्लिश में इसमें दिया हुआ है। फिर 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है वो एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि एकीकृत, ये यहाँ पे गलत है, एकीकृत लिखा हुआ, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की मुख्य जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है उनको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग गया। फिर 11th यहाँ पे क्वेश्चन है वो टिप्पणी के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, टैक्स में व्यक्ति क्या होता है, और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और किरायादेह व्यक्ति में क्या अंतर है, दोनों में आपको बताना है। जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है वो क्या पर्सन है, और टैक्सेबल जो पर्सन होता है उनमें क्या अंतर है, आपको बताना पड़ेगा, पूछता है तो एग्जाम में। फिर बोल सकते हैं कि छोटा क्वेश्चन कि अभिकर्ता क्या होता है, एजेंट और कुटुंब फैमिली दोनों में क्या अंतर है, फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे है कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण और रद्दीकरण के प्रतिसहरण में क्या अंतर है, ये पूछ सकते हैं, फिर अलग अलग और एक कंबाइंड में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन में हमने आपको बताए हैं जो कि दोस्तों मोस्ट है, मैंने निकाला है कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सीधा नहीं पूछते हैं, घुमा फिर आगे पूछते हैं, यही क्वेश्चन पूछेंगे आप देख लेना एग्जाम में, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेंगे। बस यहाँ पे अपराध है या शांति, इसको अलग तरीके से आपको पूछ सकते हैं, बाकी आपका जो एक्ट है वो यही रहेगा माल विक्रय वाला। और जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन हम फिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे ये है कि माल वेतन की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछ सकते हैं कि वेतन की परिभाषा दीजिए, और ऐसा पूछ सकते हैं कि वे कौन सी कटौती हैं जो वेतन शीर्ष की आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाती है, मतलब क्वेश्चन से घुमा के पूछ सकते हैं। अगर इसमें ऐसा पूछते हैं ना, पहला जो आपकी सीरीज में पहला क्वेश्चन आप देखना, उसमें दिया हुआ था कि भारतीय आयकर विधि के अंतर्गत देयता की कसौटी आवास है तो नहीं नागरिकता, तो ऐसा पूछ सकते हैं। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस इसमें आपको बताना पड़ेगा कि विधि, आयकर विधि के बारे में जो देयता की कसौटी है जिसमें आवास और नागरिकता दोनों बताए गए हैं उनके बारे में बताना है, बाकी सेम चीज़ है, कोई इशू नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। और बाकी दोस्तों एक आपसे बात पूछनी है कि यहाँ पे कोई BA LLB कर रहा है क्या, BA LLB BCOM BSc डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए, कुछ उनसे बातें करनी है तो प्लीज़ बताना। और कोई LLM कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयपुर से, वो भी आप हमें कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, उनसे कुछ बात करनी है तो ये बताना था। और जल्दी में आपका जो पेपर है, गैस पेपर है अगला, जो लेबर लॉ का है, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप
बहुत सारे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम पे, इतना भयंकर तरीके से कमेंट आ रहे थे मेरे पास, पर्सनली आ रहे थे कि प्लीज़ भाई सर बता दो, इसलिए मैं वीडियो लेके आया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 से आपकी परीक्षा है, अभी टाइम बहुत ही कम है, आज 16 अगस्त हो गई है। आप मेहनत कीजिए और मैं दुआ करूँगा कि आप इस बार सभी स्टूडेंट हो अच्छे नंबर से पास हो जाए, पिछली बार की तरह रह न जाए कोई भी। बस यही दुआ है और आपके लिए हम कर रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा करो एग्ज़ाम में। बाकी जो होशियार विद्यार्थी हैं वो भी इसको एक बार देख लीजिए, आपके काम में आ जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज़ सभी के पास में शेयर कर दीजिए, और आप हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अशोक जांगिड LLB के नाम से, जहाँ पे आपको लीगल जानकारी है वो सबसे पहले मिल जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।